नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका रामानंद मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दो संस्कृत शिक्षा विभाग के ऊपर वीडियो है। जैसे कि आपको पता है कि आज 16 तारीख की स्टूडेंट और आज जो है आपके संस्कृत शिक्षा विभाग के जो नई प्रोविजनल लिस्ट जारी की गई थी उसके स्टूडेंट्स का आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था। तो उससे मिले कुछ फीडबैक के आधार पर 2022 की कट ऑफ, हमारे पास जो 68 सीट्स हैं उनके बेस पर जो 210 स्टूडेंट को पास किया गया था, और 2016 और 2018 की कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे उनकी सीट्स के बेस पर, फिर 2022 पर आएंगे फाइनल में। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, आपको पता है कि संस्कृत शिक्षा विभाग अपनी तरफ से अलग विज्ञप्ति जारी करता है आरपीसी के थ्रू। तो जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट, संस्कृत शिक्षा विभाग की अभी तक विज्ञप्ति 2016 से पहले आपके 2008 में आई थी, जिसका कि एग्जाम आपका 2010 में कंडक्ट हो गया था अगस्त माह में। वो सबसे पहली विज्ञप्ति थी संस्कृत शिक्षा विभाग की, उस समय सिलेबस भी अलग था, पूरा पैटर्न अलग था, जिसको कि बदला गया 2016 के अंदर। 2016 में जो विज्ञप्ति आई स्टूडेंट, उसमें अच्छे खासे 325 पद आए थे। तो आप देख सकते हैं उसमें कट ऑफ एसटी की 186.99 थी, एससी की 202.25, ओबीसी की 246.28 और जनरल की 255.36 थी। 2018 में फिर पद आए, दो साल बाद, चुनावी साल था। इस बार पदों की संख्या जो थी वो आपकी लगभग 1/3 के आसपास थी 2016 के कंपेयर में। इस बार देखिए तो स्टूडेंट्स, खास बात क्या है कि पदों की संख्या 1/3 होने के बावजूद भी मेरिट आपकी ऊपर नहीं गई थी 2018 में। ये सबसे बड़ी बात है कि 2018 में पदों की संख्या इतने कम होने के बावजूद भी मेरिट है वो हर कैटेगरी में डाउन गई। देखिए कैसे, एसटी की थी 183, 3 नंबर डाउन चली गई। एससी की जो थी स्टूडेंट वो भी आपके लगभग देख सकते 3 नंबर डाउन थी। ओबीसी में स्टूडेंट आपके फिर 2 से 2.5 नंबर डाउन थी और जनरल कैटेगरी की आपके लगभग 5 नंबर तक कम गई थी। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि पद कम होने का मेरिट से सीधा सीधा कोई प्रोफेशनल समानुपातिक रिश्ता नहीं है। पद कम थे इसके बावजूद भी 2018 में मेरिट डाउन थी हर एक कैटेगरी की, और पेपर के नेचर में कोई ज्यादा अंतर नहीं था। जैसे 16 में था वैसे पेपर के नेचर 2018 में भी था। अब बात करते हैं 2022 में, क्योंकि यार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, उसके बाद में क्या कैटेगरी वाइज कट ऑफ रह सकती है। इस बार स्टूडेंट खास बात क्या है कि आपको जनरल में और जो महिला कैटेगरी में सभी में आपको काफी अंतर दिखाई देगा नंबर के हिसाब से। इतना नंबर का अंतर जनरली गणित विषय में नजर नहीं आता है, जनरली दोनों की मेरिट लगभग समान रहती है, लेकिन संस्कृत शिक्षा विभाग में इस बार मेरिट में जो मुझे लग रहा है वो अंतर काफी ज्यादा देखने मिलेगा। जैसे कि अगर हम बात करें स्टूडेंट एसटी कैटेगरी की, तो स्टूडेंट ये जा सकती है आपकी 223 नंबर, ये मैं बात कर रहा हूं आपका जनरल। और अगर वुमेन की बात करें स्टूडेंट, तो ये जा सकती है आपके 215, यानी कि दोनों के बीच में स्टूडेंट लगभग आपके 8 नंबर का गैप रह सकता है इसमें जनरल और महिला में, यानी जनरल मतलब जो भी एसटी बॉयज है उनके बीच में और महिला बीच में, यानी कि 8 नंबर का अंतर देखने को आ सकता है। ये जो आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ इसके बाद का सोच है, जो स्टूडेंट से फीडबैक मिला है उसके बेस पर। अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें स्टूडेंट, तो ये आपकी जा सकती है लगभग इस बार 227, और स्टूडेंट देखिए इसमें जो महिलाएं हैं उनकी जा सकती है 219, यानी कि यहां भी आपके 8 नंबर का अंतर, यानी कि आपका एसटी और एससी में इस बार डिफरेंस काफी कम रहने की संभावना है 2016 और 2018 की तुलना में। यहां तो दोनों में लगभग 2016 में तो बहुत बड़ा गैप था 14 और 16 नंबर का, और यहां भी 16 नंबर का, इस बार ये गैप आपका काफी कम नजर आ रहा है एसटी और एससी कैटेगरी के अंदर, लेकिन पुरुष और महिला में अंतर जरूर है ये दिख रहा है। अगर हम बात करें स्टूडेंट ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट, तो वो जा सकती है आपके लगभग 272, इस बार ये मेरिट काफी ज्यादा है, क्योंकि स्टूडेंट पदों की संख्या भी आपकी 68 ही है, पदों की संख्या 68 है, और तीसरी बार काउंसलिंग के लिए स्टूडेंट्स को कॉल किया गया है। दो बार पहले भी हो चुकी है, लेकिन उपयुक्त पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलने की वजह से तीसरी बार काउंसलिंग जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है। तो देखिए 272 हो सकता है ओबीसी में पुरुष वर्ग का, उसमें देखिए महिला वर्ग की बात स्टूडेंट, तो वो हो सकता है आपका 268, यानी कि यहां भी आपके 7 नंबर का अंतर मुझे दिख रहा है ये रह सकता है। और अगर बात करें स्टूडेंट देखिए जनरल कैटेगरी की, जनरल कैटेगरी में भी इस बार आपके ओबीसी में और काफी ज्यादा अंतर, आप देखेंगे 18 में मात्र 2.5 नंबर का अंतर था,
16 मैच में आप देखेंगे तो लगभग लगभग 6 नंबर का, लगभग आपके 9 नंबर का अंतर था, है ना। तो 18 में स्टूडेंट मुझे लगता है कि अभी तक का सबसे ज्यादा अंतर यानी कि 282 यानी कि आपके 10 नंबर का अंतर रह सकता है इस बार बॉयज के अंदर ओबीसी कैटेगरी में और जनरल कैटेगरी के अंदर। और अगर गर्ल्स की बात करें स्टूडेंट तो ये जा सकती है 273 यानी कि यहां भी आपके लगभग लगभग आपके दोनों के बीच में 9 नंबर का अंतर दिख रहा है दोनों के बीच में। तो स्टूडेंट ये थी कट ऑफ स्टूडेंट्स मिले फीडबैक के बेस पर 2016, 2018 और 2022। आपको पता है 2024 की विज्ञप्ति आई उसमें भी लगभग इतने ही पद हैं, तो आपका टारगेट लगभग इसके अराउंड होना चाहिए 280 के आसपास जनरल कैटेगरी के अंदर, 275 के आसपास ओबीसी कैटेगरी के अंदर और इधर दोनों कैटेगरी में 230-240 के आसपास। अगर आप इतना नंबर ले आते हैं इस बार 2024 में, पेपर हालांकि नहीं हुआ है लेकिन एक आइडिया आपको लग जाएगा कि भाई जब सीटों की संख्या वही है और पेपर जो था 2022 का वो ज्यादा कठिन नहीं था, बीएससी पार्ट इसका काफी ज्यादा सरल आया था, इस वजह से आप ये देख रहे हैं स्टूडेंट कि मेरिट जो है वो काफी ऊपर है, ठीक है। और उम्मीद है बहुत जल्दी रिजल्ट भी आपका आ जाएगा, लेकिन कितना रहता है देखते हैं अब इसके आसपास क्या नहीं रहता। ये जो था वो स्टूडेंट मिले फीडबैक के बेस पर है और पिछले सालों का जो था सीट्स और उनकी कट ऑफ उसके बेस पर तैयार किया गया। और फाइनल देखते हैं रिजल्ट बहुत जल्दी खुशखबरी आपको मिलनी चाहिए एंड लेट अस होप कि डॉक्यूमेंटेशन के बाद कितने दिनों बाद में ये रिजल्ट आपका जारी हो पाता है, क्योंकि अभी भी आपके लगभग 210 स्टूडेंट को डॉक्यूमेंटेशन बुलाया है, लगभग 3 गुने से अधिक को भी बुला लिया है। तो मुझे लगता है इस बार शायद 5 उम्मीदवार मिल जाने चाहिए और जो उम्मीद है कि सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग मैथमेटिक्स की पूर्ति हो जानी चाहिए ताकि स्टूडेंट 2024 की तरफ अंतिम परिणाम जो उनका जो जारी होने के बाद में एग्जाम जो उनका 28 और 31 2024 में है उसकी तरफ देख सके। उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे कि संस्कृत शिक्षा विभाग की आपको तैयारी कैसे करनी है। ये वीडियो था पिछले सालों की कट ऑफ और इस साल की टेंटेटिव कट ऑफ के बारे में। धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।